टेस्ट का मैच T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसका टॉस जीता इंडिया ने और इंडिया ने फील्डिंग चूज की। इंडिया पाकिस्तान मैच में फर्स्ट बैटिंग पाकिस्तान को मिला। स्ट्राइक में दो लेजेंडरी प्लेयर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को दिया गया, जहां पर फर्स्ट ओवर में एक रन ही आया बस। और वहीं पे सेकंड ओवर के फर्स्ट बॉल में अर्शदीप ने बाबर आजम को LPW आउट कर दिया, जो कि पाकिस्तान और उनकी टीम के लिए एक बुरी खबर है। और उसके बाद तीन ओवर के आखिरी गेंद में रिजवान भी कैच आउट हो गए। इस तरह से दोनों ओपनर सलामी दे गया। और रन काउंट की बात करें तो पावर प्ले तक पाकिस्तान ने अब तक 32 रन बना पाया। 20 ओवर खत्म होते होते भुवनेश्वर कुमार ने एक विकेट, हर्षदीप ने तीन, मोहम्मद शमी ने एक और हार्दिक पांड्या ने तीन विकेट ली। अभी बैटिंग की बारी इंडिया की। टारगेटेड स्कोर है 160। इंडियन बैटिंग ओपनर KL राहुल और रोहित शर्मा। KL राहुल ने 8 गेंदों में 4 रन और 11 गेंदों में आउट हो गया। 3 ओवर और 2 बॉल में रोहित शर्मा भी आउट। भारत और उनके टीम के लिए एक बड़ा झटका, दोनों के दोनों ओपनर आउट। अब तक 10 ओवर 4 विकेट और ओनली 45 रन। अब तक की बहुत ही वीक परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की गेम प्ले बहुत ही तगड़ी थी। विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी करके इंडिया को जीत की तरफ ले गया। उसके बाद लास्ट ओवर के पहले गेंद में हार्दिक पांड्या आउट हो गया। सिर्फ 5 बॉल बाकी था और जीतने के लिए हमें चाहिए था 16 रन। फिर 2 बॉल पे चाहिए था 2 रन, तभी दिनेश कार्तिक आउट हो गया। फिर 1 बॉल पे 2 रन चाहिए था, उसके बाद वो बॉल वाइड हुआ। आखिर में अश्विन ने चौका मारा और गेम को जिता दिया। विराट कोहली ने 53 बॉल में 82 रन करके नाबाद रहे। विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस ने भारत को जिता दिया।